हेलो फ्रेंड्स, आज की स्टूडियो में हम बात करेंगे NDL मतलब नंदन डेनिम लिमिटेड पे। फ्रेंड्स, स्टॉक की क्या कुछ अपडेट आई है और कैसा मूवमेंट अब हमें देखने को मिलने वाला, क्या इसका स्पोर्ट है, क्या इसका टारगेट है, डिटेल से समझेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो ताकि जब मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले तो हम देखो अपडेट समझते हैं, उसके बाद हम चार्ट पे बात करने वाले हैं और चार्ट पे जो हम बात करेंगे ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आगे भी जरूर देखना वीडियो पूरी। अब चलते हैं अपडेट पे। यहाँ पे जो बताया गया है ये भाई थोड़ी सी पुरानी है लेकिन इम्पोर्टेंट है। 17 जून को इनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक हुई थी जिसमें इन्होंने कंपनी के 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले शेयरों को 1 रुपये फेस वैल्यू के 10 शेयर में सब डिवीज़न की मंजूरी दे दिया, मतलब स्टॉक स्प्लिट या सब डिवीज़न आप कह सकते हो, लेकिन अब भी डेट इन्होंने अनाउंस नहीं की है। लेकिन यहाँ पे एक और अपडेट है साथ में, आप देख सकते हो नंदन डेनिम लिमिटेड ने बोर्ड ने कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लोज में बदलाव को भी मंजूरी यहाँ पे दे दी है। अब एक चीज़ और इस अपडेट में है, वो भी आप जान लो। यहाँ पे बताया गया है कि प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, 64.74% की, बाकी FI की है, DI की है और बाकी भाई आप जैसे हमारे जैसे रिटेलर निवेशक हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो आगे समझते हैं। नंदन डेनिम लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी डेनिम बनाने वाली कंपनी है और कंपनी के डेनिम गारमेंट्स 27 देशों में बेचे जाते हैं। नंदन डेनिम लिमिटेड के प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो में 2000 से भी अधिक वैरायटी के डेनिम शामिल हैं। मतलब देखो, भारत की सबसे बड़ी और भाई दुनिया की चौथी सबसे बड़ी डेनिम बनाने वाली कंपनी है, जो कि सही भाई आप कह सकते हो कि अच्छा है। और देखो कंपनी के जो फंडामेंटल है ना वो भी ठीक है। अब चार्ट पे बात करते हैं कि क्या कुछ इसके स्पोर्ट और टारगेट रहने वाले हैं। अपडेट आपने जान ही ली है कि भाई क्या कुछ अपडेट है, लेकिन जैसे स्टॉक स्प्लिट होगा ना भाई, आपके पास अगर एक शेयर है ना तो आपके पास 10 शेयर हो जाएंगे। डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, जैसे ही डेट अनाउंस होती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी। और भाई अगर आप चाहते हो स्टॉक स्प्लिट करवाना या फिर भाई एक के बदले 10 शेयर लेना, तो आप स्टॉक में नज़र बना के रख सकते हो। भाई पहले हमने अपना टारगेट बताया था कि जितनी डेप्थ है उतना ही ब्रेकआउट के बाद अपसाइड जाएगा और वहाँ से भाई कुछ पॉइंट से नीचे आ गई है मार्केट। देखो मैं आपको पहले भी कहती हूँ कि भाई कुछ पॉइंट अप कुछ पॉइंट डाउन होने के बाद भाई हो सकती है मार्केट, क्योंकि देखो 100% तो कोई नहीं बता सकता। मैंने इतनी डेप्थ बता के इतना अपसाइड बताया था, लेकिन ये वापस कहाँ से आ गई, यहाँ पे 58.56 का है और ये कहाँ से वापस आ गई, 57.48 से। भाई इतना भाई थोड़ा बहुत हो सकता है इधर उधर, ठीक है। ये डिसीजन आपको खुद लेना होता है कि कहाँ पे निकलना है, लेकिन यहाँ पे हमारा मार्केट में गिरावट आपको देखने को मिली और यहाँ पे एक स्पोर्ट था जो कि 47.94 का। आज मार्केट डाउन तो गई लेकिन फिर से इसने रिकवरी दिखाई। अब कहाँ तक रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है, तो भाई आपको कल का भी वेट करना होगा। अगर कल की कैंडल भी इसके ऊपर क्लोज देती है तो फिर से ये अपसाइड का मूवमेंट दिखा सकती है, जो कि 57 का ही आप लेके चलना जहाँ से पहले से मार्केट रिटर्न आई है, ठीक है, वो टारगेट आप लेके चल सकते हो। यहाँ पे मैं इस एरो को डिलीट कर देती हूँ, एक बार उसको इसको डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। हमारा ये टारगेट था लेकिन यहाँ से इतने गैप से वापस आ गई, तो हमारा टारगेट अब कितना रहेगा अगर ऊपर क्लोजिंग देती है तो 57.50 का लेके चलेंगे, 57.50 का हम लेके चलेंगे, ठीक है, अगर ऊपर क्लोजिंग देती है तो। अगर ये कल इसके नीचे क्लोजिंग कर देती है तो फिर नीचे के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, पहला सपोर्ट 40 का, सेकंड सपोर्ट रहेगा 36.27 का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं। आपका क्या कहना है स्टॉक के बारे में कमेंट करके बताना, और किसने कितने प्राइस पर कितनी क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रखे ये भी कमेंट करके जरूर बताना। और फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार खुद के एनालाइज जरूर कर लेना। इस वीडियो का मोटिव ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज है।